हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोक्स थ्योरम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरोटेशनल और कंजर्वेटिव फील्ड, जिसमें कि हम अपने स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम को लिखती हूँ। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो हमारा वेक्टर फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, इस वेक्टर फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के, और जो सरफेस इंटीग्रल है वो किसके अलोंग है, नॉर्मल कंपोनेंट के। तो ठीक है, ये सी कर्व अगर एस सरफेस को बाउंड कर रहा है तो इस सरफेस के अलोंग इसके कर्ल का जो सरफेस इंटीग्रल है वो इस वेक्टर फंक्शन के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम। सो ठीक है, हम बात कर रहे हैं इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड की। जो इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं उनके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है अलोंग कर्व सी वो होता है ज़ीरो। तो ये कंडीशन आपके पास होती है जब आप बात करते हैं इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड की। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के फील्ड के लिए कंडीशन मिली कि द लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये फर्स्ट कंडीशन है। अब इस कंडीशन को अगर हम अपनी स्टोक्स थ्योरम में यूज़ करें तो देखो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल क्लोज करके अलोंग जीरो है, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो, तो ये आपकी राइट हैंड साइड भी जीरो होगी। तो अगर मैं इस कंडीशन को यूज़ करूँ तो मैं कहूँगी कि ये जो राइट हैंड साइड है वो भी मेरे पास जीरो होगी, और राइट हैंड साइड अगर मेरे पास जीरो है तो यहाँ से मुझे मिलेगा डॉट डी एस वेक्टर अलोंग एस। ये चीज़ मेरे पास अगर जीरो है तो किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कंडीशन आएगी डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब जो इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड है उसके लिए मेरे पास एक सेकंड कंडीशन आई है कि उस टाइप के जो आपके वेक्टर फील्ड होंगे उनका कर्ल है उसकी वैल्यू जीरो रहेगी। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर इरोटेशनल फील्ड कि आपका उस पर्टिकुलर वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो होगा। अगर यहीं पे मैं इसकी अपोजिट बात करूं तो दिस कंडीशन इज फॉर इरोटेशनल फील्ड। अब रोटेशनल फील्ड के लिए क्या होगा, रोटेशनल फील्ड के लिए क्या होगा कि आपका ये डेल क्रॉस ए है दिस इज नॉन जीरो। कि अगर आपका फील्ड है उसके अंदर रोटेशंस हैं तो उस केस में उस फील्ड का कर्ल है वो नॉन जीरो होगा। तो दिस इज फॉर रोटेशनल फील्ड। और इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं उनमें रोटेशंस होते हैं, तो इसलिए आपका जो डेल क्रॉस बी होता है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है। सो दिस इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशनल फील्ड। अब अगेन हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, आपका ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको हम क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर फंक्शन को नेगेटिव ऑफ ग्रेड फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा है कि इफ़ ए वेक्टर फंक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव ऑफ ग्रेड फाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ नेगेटिव ऑफ डेल फाई, तो अगर मैं किसी वेक्टर फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ इन दैट केस उस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व जीरो होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी कि मैं किसी वेक्टर फंक्शन को अगर इस टाइप से लिख सकती हूँ तो उसका जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग क्लोज्ड कर्व जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन इंटीग्रल जीरो है तो आपका जो वेक्टर फंक्शन है या वेक्टर फील्ड है वो इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल के लिए हमारे पास एक थर्ड कंडीशन क्या आ गई कि जो वेक्टर फंक्शन है उसको किसी स्केलर के नेगेटिव ऑफ ग्रेड पाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कि हम लिख सकते हैं दिस वेक्टर फंक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल पाई, और जो फाई है ये यहाँ पे क्या है, दिस इज स्केलर फंक्शन। तो किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के फॉर्म में हम इस वेक्टर फंक्शन को लिख सकते हैं। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इरोटेशनल और कंजर्वेटिव फील्ड। हम जहाँ पे भी बात करते हैं, जैसे मैंने बात किया कंजर्वेटिव फील्ड की,
कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स की बात करती हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे पास एफ फोर्स है और एफ फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अगर वो ये फोर्सेज आपकी कंजर्वेटिव फोर्स हैं तो इस टाइप से इनमें से कोई भी आपका यहाँ पे एफ फोर्स लिया जा रहा है तो ये एफ फोर्स आपका हमेशा लाइन इंटीग्रल क्या देगा, ये लाइन इंटीग्रल हमेशा जीरो रहेगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं उनके लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उस फील्ड का लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो होगा, उस फील्ड का कर्ल जीरो होगा एंड उस वेक्टर फंक्शन को हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव फील्ड एंड इन कंडीशंस के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड हमें गिवन है तो इन कंडीशंस की हेल्प से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो हमारा इरोटेशनल होगा या नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास एक ए वेक्टर फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में दे रखा है और हमें बताना है कि दिस वेक्टर फंक्शन इज बोथ इरोटेशनल एंड सोलेनोइडल। तो हमें कंडीशन पता है, इरोटेशनल के लिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी अगर हमारा वेक्टर फंक्शन ए इरोटेशनल है तो हम कहेंगे कि डेल क्रॉस ए, इस ए का जो कर्ल हम निकालेंगे दैट मस्ट बी जीरो। सो एंड अगर हम कहते हैं डेल डॉट ए इज जीरो, सो दिस इज कंडीशन फॉर सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले हम इरोटेशनल की कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं अपना डेल क्रॉस ए। डेल क्रॉस ए मेरा पिक कितना आएगा, आई जे के, डेल की वैल्यू मेरे पास करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड एंड जो ए वेक्टर है उसे ए वेक्टर की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है वाई जेड एक्स कंपोनेंट वाई जेड है, वाई कंपोनेंट जेड एक्स है एंड जेड कंपोनेंट मेरे पास एक्स वाई है। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो देखो मेरे पास यहाँ से आएगा करली बाई करली वाई ऑफ दिस, मुझे इस टाइप से करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो दिस क्या हो जाएगा, ये एक्स, यहाँ से मिला मुझे करली बाई ऑफ एक्स वाई, मेरे पास आया एक्स, नेगेटिव ऑफ करली बाई करली जेड ऑफ जेड एक्स, तो ये मेरे पास मिलेगा x। तो मेरा फर्स्ट i का कंपोनेंट ये हो गया। नेक्स्ट मैं करती हूँ यहाँ से j का कंपोनेंट, तो j का कंपोनेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, करली बाई करली z ऑफ yz, तो ये मुझे मिलेगा y माइनस करली बाई करली x ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास अगेन आया y, तो ये मेरे पास j का कंपोनेंट आ गया। फिर मैं यहाँ से करती हूँ अपना k का कंपोनेंट, जो k डायरेक्शन है इसका कंपोनेंट्स की जब मैं बात करूंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे करली बाई करली एक्स ऑफ जेड एक्स, ये मेरे पास यहाँ से आया z, माइनस करली बाई करली वाई ऑफ वाई जेड, ये अगेन z आया मेरे पास। तो देखो ये आपके कंपोनेंट्स सब कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी जीरो। सो माई डेल क्रॉस a क्या मिला मुझे यहाँ से, डेल क्रॉस ए मुझे यहाँ से मिला जीरो। इसका मतलब जो ये ए वेक्टर फंक्शन है वो इरोटेशनल है, उसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वो सोलेनोइडल है या नहीं है, उसके लिए मुझे चाहिए डेल डॉट ए। तो अब मैं डेल डॉट ए सोल्व करूँगी। डेल डॉट ए मेरे पास क्या होगा, करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप, ये तो मैंने डेल की वैल्यू रख दी और डॉट में मैंने यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू रख दी। सो दिस इज वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। जब इस डॉट प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगी तो अगेन आई का प्रोडक्ट आई के साथ ही नॉन जीरो होगा, जे का जे के साथ एंड के का के साथ। जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा करली पाई करली एक्स ऑफ वाई जेड प्लस करली पाई करली वाई ऑफ जेड एक्स प्लस करली पाई करली जेड ऑफ एक्स वाई, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि वाई जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, जेड एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो एंड एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड जीरो, सो दिस इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ से मुझे मिला डेल डॉट ए इज जीरो एंड डेल क्रॉस ए इज जीरो। इसका मतलब दिस ए वैक्टर इज बोथ इरोटेशनल एंड सोलेनोइडल इन नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट इरोटेशनल एंड कंजर्वेटिव फील्ड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।